अगला जो टॉपिक है उसका नाम है चोक कॉइल। अब ये क्या चीज होती है? तो अगर अल्टरनेटिंग करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रहा है और आप चाहते हो कि वो कम हो जाए, कम क्यों करना है? क्योंकि मान लो कोई बल्ब आपने सर्किट में लगा रखा है और बल्ब 100 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज पे फ्यूज हो जाता है। अब घर पे जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट आती है। अगर आपने डायरेक्टली वो सप्लाई उस बल्ब को दे दी जो कि 100 वोल्ट मैक्सिमम सहन कर सकता है, तो 220 वोल्ट देते क्या होगा? वो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो चोक कॉइल क्या चीज़ होती है? एक ऐसी कॉइल होती है जो कि एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, किससे बनी होती है ये? तो ये सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हम नॉर्मल जो कॉपर वायर है उसके बहुत सारे टर्न्स ऐसे बना देते हैं, तो ये बन जाती है चोक कॉइल। इसकी खास बात क्या होती है? इसका सेल्फ इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम होगा। मोटा वायर यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, जिससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा? लो रहेगा।